नई कार, बड़ा घर, फॉरेन हॉलीडेज, इन सब का एक ही तोड़ है। आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग, आई स्वेयर आई विल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। साउथ इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक एक्टर फहद फाजिल इनकी फिल्म धूमम को लेकर आई अभी तक की सबसे बड़ी खबर। फिल्म ने इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर पूरे कर लिए अपने दो दिन। आज फिल्म का तीसरा दिन। फिल्म को मिले ऑडियंस की तरफ से काफी आउटस्टैंडिंग रिव्यूज। फिल्म की स्टोरी और फिल्म के कॉन्सेप्ट को किया सभी ने पसंद। अपने पहले दिन तो ली फिल्म ने थोड़ी कम ओपनिंग, लेकिन अपने दूसरे तीसरे दिन कर रही काफी अच्छी कमाई। अपने शुरुआती दो ही दिनों में यह फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से कर चुकी लगभग 7 करोड़ की कमाई। आज संडे होने की वजह से मॉर्निंग से काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हो रही है ये फिल्म। आज फिल्म की मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी देखी जा रही लगभग 10-15% की। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फिल्म आज के दिन दुनिया भर से करने वाली लगभग 5 करोड़ तक की कमाई। इसी के साथ एक्टर फहद फासिल की फिल्म धूमम का कलेक्शन शुरुआती तीन ही दिनों का दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से हो जाएगा लगभग 12 करोड़ का, और फिल्म का ओवरऑल बजट बताया जा रहा है मात्र 10 करोड़। अपने शुरुआती तीन ही दिनों में अपना बजट निकालते हुए ये फिल्म बनने वाली एक हिट फिल्म। अपने लाइफ टाइम में कर सकती है लगभग 20-25 करोड़ तक की कमाई और बन सकती है एक सुपर हिट फिल्म।